अल्टीग्रेड टीचर मैथमेटिक्स के लिए अल्टीग्रेड टीचर के पे ये कमेंट ज़्यादा आ रहा है कि ये कमेंट है हमारा कमेंट वीडियोस नंबर 66। तो उसमें ये ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि त्रिकोणमिति कितना है या त्रिकोणमिति इसमें सिलेबस में है कि नहीं। तो हम जो वीडियोस करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, देखिएगा हमारा जो सिलेबस है वो हमने यहाँ नज़र भी नहीं आएगा, लगभग लगभग पूरा कर लिया, डार्क होता चला जा रहा है, नीचे नीचे पेन खींचते चले जा रहे हैं पूरे सिलेबस में। तो त्रिकोणमिति में यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे वास्तविक विश्लेषण, ठीक है, वास्तविक विश्लेषण यानी कि रियल एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में वास्तविक विश्लेषण के अनुक्रम परिबद्ध सम्मिश्र विश्लेषण यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण ही इसमें सिलेबस में है। उसमें त्रिकोणमिति पार्ट आता है, सम्मिश्र संख्याएं, एक सम्मिश्र के फलन एंड डिमावर्स थ्योरम एंड उसके अनुप्रयोग, इकाई के एनवे मूल या डिमावर्स में आते हैं, उसके सम्मिश्र फलन के चर घातांकी, ये BSc पोर्शन से आ गया, सम्मिश्र फलन के चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल एंड व्युत्क्रम त्रिकोणमिति, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, सीधे एवं व्युत्क्रम त्रिकोणमिति, हाइपरबोलिक्स एंड लघुगणक फंक्शन। ये BSc क्लासेस में जो इनवर्स त्रिकोणमिति है वो हमने 12th क्लास भी इसमें सोल्व कर दिया है, ठीक है, वो भी इसमें प्लेलिस्ट में बना दिया है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन 12th से लेकर BSc वाला भी सब उसमें रख दिया गया है, ठीक। हाइपरबोलिक एंड लोगार्थमिक सम्मिश्र फलनों की सत्यता एंड अवकलनीयता एंड कोची रेमेन इक्वेशन, कोची रेमेन पे थोड़ा बहुत पोर्शन था वो भी उसमें कर दिया है, कोची रेमेन इक्वेशन पे कंटिन्यूटीज एंड जो पॉइंट होता था वो हमने इस पर बना दिया है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था कोची रेमेन वाला, वो इसमें रख दिया गया है। एंड जो है वैश्विक फलन एंड प्रतिस्पंदी फलन वो सभी उसी पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये लगभग हमारा ओके हो गया है, ओके हमने कर दिया था। तो यहाँ से जो है कमेंट ज़्यादा था कि त्रिकोणमिति, देखिएगा यूपी अल्टीग्रेड में तो इतना ही सिलेबस दिया है, पर जैसे यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से TGT एंड PGT होता है वहाँ पे त्रिकोणमिति कंप्लीट आता है, जैसे 12th क्लास की हाइट एंड डिस्टेंट भी आएगा, त्रिभुज की प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स भी आता है, एंड उसके प्रगुण वगैरह जो उसमें चैप्टर है, एक होता है व्यापक मान निकालना, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा निकालना होता है त्रिकोणमिति इक्वेशंस का, वो भी आता है, तो उसमें सब आता है यूपी TGT एंड PGT में, अदर बोर्ड्स में दिल्ली TGT PGT NBS KBS सब आता है, परंतु इन्होंने जो है LT में इतना ही सिलेबस रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इतना ही बनाया भी है, इसमें इतना ही पोर्शन रखा भी है। बट भाई त्रिकोणमिति को ज़्यादा हार्ड नहीं होता, त्रिकोणमिति कैलकुलस ऐसी कैलकुलस पे कमेंट थे कि उसमें ये इंटीग्रेशन नहीं है कि कर लें कि ना करें, भाई देखो आसान सी चीज़ है, डेफिनेट उन्होंने डाल रखा है, इंटीग्रेशन के बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन होना मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन कर लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जो कमेंट थे व्हाट्सएप पे थे तो हमने बता दिया कि भाई इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी है त्रिकोणमिति अदर वाला पोर्शन, अगर मन कर रहा लगाने का लगा लीजिए, उसमें क्या है, क्योंकि आगे टाइम में भी TGT PGT यूपी माध्यमिक चयन बोर्ड या अदर बोर्ड से कहीं ना कहीं तो देते ही रहेंगे ना, टाइम बने तो लगा लीजिएगा, थोड़ा बहुत एक आध बार हल्का फुल्का प्रैक्टिस उसमें कर लीजिएगा, बाकी इसके अकॉर्डिंग हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है, उसमें कर रखा है। अब बात आती है कि हमारे की एंड होने की, कि आज हमने जो है इसका वर्धमान ह्रासपन फलन ऐड कर दिया है और उच्च निम्नित हो चुका है, स्पर्शी अवलम्ब हो चुका है, ऊपर रोल वैल्यू थ्योरम सीमा सत्यता यही थोड़ा सा बचा है, लिमिट्स इसमें हो चुका है, कंटिन्यूटी वगैरह तो जो है जल्दी जल्दी लगा ही देंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी और आ रहे हैं कमेंट वगैरह, वो हम एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं देंगे आंसर, कुछ कल भी आए हैं एक दो क्वेश्चन, तो हम पहले से ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं इसको ओके करके प्लेलिस्ट बना के डाल दें, ओके बिल्कुल सारा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने टॉपिक्स जैसे कंप्लीट हो जाए, जैसे हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का या 10 वीडियो थी, 11वां नंबर में 4-5 क्वेश्चन हमको अच्छे लग रहे थे, वो PGT लेवल के थे, तो हमने आज बना दिया है वीडियो उस पर सॉल्व करने के लिए, कह दिया भैया लगाइएगा, नहीं लगेगा तो हम उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैट्रिक्स का आज दिन में कर देंगे या फिर रात में, या द्विपद विरमे में एक दो वीडियो बनेगा, उसको जल्दी से जल्दी मतलब जो छूटा हुआ काम है उसको ओके कर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ओके हो जाएगा बस, फिर क्वेश्चन पेपर हमारे बन ही रहे हैं, साथ साथ 4-5 क्वेश्चन पेपर बने रखे हैं, तो बीच बाद के टाइम में बाकी TGT से माध्यमिक चयन बोर्ड से या और किसी का सिलेबस कराते भी रहेंगे, तो इधर से इधर वाले LT वाले क्वेश्चन पेपर देते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट इसमें डालते रहेंगे, ठीक है।
और जो कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट कल के भी हैं, उनका आंसर मैंने अभी नहीं दिया है। हो सकता है कि एक दो का व्हाट्सएप पे कमेंट है तो मैं व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन डाल दूँ, नहीं कमेंट वीडियो तो अभी एक से दो दिन लग जाएगा। मैं पहले सिलेबस के ही बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, जो सिलेबस ओके जल्दी से जल्दी हो जाए। त्रिकोणमिति से ज़्यादा चिंता ना करिएगा, त्रिकोणमिति वैसे सिलेबस में इतना दिया नहीं है, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति नहीं है इतनी ज़्यादा है। और अगर पिछले बोर्ड के अकॉर्डिंग या चैन बोर्ड से या जो बुक्स बना दिए होंगे कुछ लोग, तो उन्होंने रख दी होगी त्रिकोणमिति, सिलेबस ना देखा हो। हो सकता है कि सिलेबस छपने से पहले बुक छपनी शुरू गई हो, तो इस तरह से त्रिकोणमिति उनकी बुक में होगा। हो सकता है कि आपको सोचने की बुक में है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं, तो ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं होती है, इसको पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे काम आ जाएगा, ठीक है। एक आध बार रिवाइज ज़रूर मार दीजिएगा, ऐसे वही बात इंटीग्रेशन के लिए है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में सिलेबस में नहीं है, और तो उसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूजिंग है वहाँ पर।